हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करी है ईयर टू ईयर पार्टिंग में क्रिम्पिंग, और थोड़ी सी हमने बैक पे सी सेक्शन में भी क्रिम्पिंग की है। इसके बाद हम निकालेंगे एक फ्रंट से बॉक्स सेक्शन और उसको लॉक कर देंगे सेक्शन क्लिप से। इसके बाद हम बैक पे निकालेंगे सी सेक्शन और उसमें बनाएंगे एक पोनी टेल। यहाँ पर मैंने सेक्शन ले लिया है, मैं इसको अच्छे से नीट करूँगी, डिटैंगल करूँगी और ओसिस प्लस शाइन स्प्रे यूज़ करूँगी। आप चाहो तो कोई भी दूसरा शाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से नीट करने के बाद मैं यहाँ पर रबर बैंड से एक पोनी बना लूँगी। पोनी बनाने के बाद इसको अच्छे से टाइट करके साइड पे कर देंगे, और ठीक इसी के नीचे हमें लगानी है अपनी स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओपन डोनट, जो हमारा नॉर्मल डोनट होता है उसको खोल के मैंने कट कर लिया है। तो ये जो कट किया हुआ मेरे पास डोनट है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, और अब मैं यहाँ पर बेस बना लूँगी इसका विथ बॉब पिन। तो बॉब पिन को मैंने इस तरह क्रॉस करके फॉर्म में लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं अपना ओपन डोनट लगा दूंगी। तो ओपन डोनट मैं लगा रही हूँ यू पिन की हेल्प से। अब ये जो यू पिन्स हैं, ये हमें जो क्रॉस करके बॉब पिन लगाई है उसमें अच्छे से फिक्स कर देंगे। अभी के लिए इस पोनी टेल को हम इस डोनट के साथ फिक्स करके छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रंट पे। तो साइड पे हम लेंगे सबसे पहले आगे की नॉर्मल फ्लेक्स जो हैं वो छोड़ देंगे, जो छोटे बाल होते हैं उनको छोड़ देंगे फेस फ्रेमिंग के लिए। इसके बाद एक सेक्शन लेंगे साइड से और इसमें थोड़ी सी बैककॉम्बिंग मैं करूँगी, लॉक करूँगी हार्ड स्प्रे के साथ। तो उसी के लिए मैंने लिया है टाफ नंबर 5। आप कोई भी दूसरा हार्ड स्प्रे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसको अच्छे से नीट करूँगी। नीट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे, और इसको नीट करते करते थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए मैं डोनट के पास लगा दूँगी यूजिंग अ यू पिन। इसी में हम ऐसे पुल कर करके लेयर्स निकाल लेंगे। और अब इन लेयर्स को और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यू पिन्स। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। यू पिन्स लगाने के बाद एक बार अच्छे से इसको स्प्रे कर देंगे ताकि ये ऐसे ही सेट हो जाए, और अब इसको फाइनल लॉक कर देंगे बॉब पिन से। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम करेंगे। पहले फ्रंट के लिए सेक्शन छोड़ दिया, उसके बाद पीछे वाले सेक्शन को अच्छे से नीट किया, थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग करेंगे, उसको लॉक कर देंगे हार्ड स्प्रे से और स्प्रेड करते हुए पीछे लॉक कर देंगे यू पिन से। हम यू पिन से इसीलिए लॉक करते हैं ताकि हम ईजीली उसमें से लेयर्स निकाल पाएँ, जैसे कि मैं अभी निकाल रही हूँ। इसके बाद पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी यू पिन्स और उसके बाद मैं फ़ाइनल लॉक कर दूंगी बॉब पिन से। अगर हम पहले ही बॉब पिन से फाइनल लॉक कर देंगे तो हमें लेयर्स निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और उतनी नीटनेस नहीं आ पाएगी हमारे हेयर स्टाइल में। तो दोनों साइड से हमने स्टाइलिंग कर ली है। अब हम आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे हमें सेक्शन बाय सेक्शन लेके करनी है बैक कॉम्बिंग ताकि हमें अच्छा वॉल्यूम मिले। तो इस तरह से मैंने एक एक सेक्शन लिया, उस पर बैक कॉम्ब करी, उसको लॉक किया स्प्रे के साथ और पीछे छोड़ दिया। इसी तरह एक और सेक्शन लेंगे, बैक कॉम्बिंग करेंगे, लॉक करेंगे स्प्रे से और पीछे छोड़ देंगे। सो इस पूरे सेक्शन में आप टोटल 3 से 4 सेक्शन लेके बैक कॉम्बिंग कर सकते हो। और फ्रंट पे मैंने थोड़े से हेयर छोड़ दिए हैं, फ्लिक निकाल दी है फेस फ्रेमिंग के लिए। पफ के लिए हमने पूरा सेक्शन रेडी कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा फैलाते हुए हम पीछे लेके जाएंगे और नीट करेंगे। नीट करने से पहले हम साइड की जो यू पिन्स हैं वो निकाल लेंगे ताकि वो बीच में ना अटके। तो दोनों तरफ से जो यू पिन्स लगी हुई थी वो मैंने हटा ली हैं,
और अब हम बनाएंगे पफ। तो इसको अच्छे से नीट करेंगे, कोम्ब को लाइटली हैंड से यूज़ करना है और बिल्कुल मिरर में देखते हुए पफ बनाएंगे कि सेंटर में है या नहीं, और इसके बाद इसको भी यू पिन से लॉक कर देंगे एंड इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप क्लाइंट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही पफ में बाउंस दोगे। अगर क्लाइंट को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो हम थोड़ी बैक कॉम ज़्यादा करेंगे, और क्लाइंट को अगर बहुत सिंपल हेयर स्टाइल चाहिए तो इसमें हम बैक कॉमिंग बहुत कम करेंगे। सो यहाँ पे मैं एंगेजमेंट हेयर डू बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा वॉल्यूम चाहिए, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बैक कॉम की है। और इसके बाद हम यहाँ पर यूपिन्स के साथ लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं। इसको स्प्रे कर लेंगे अच्छे से ताकि ये ऐसे ही लॉक हो जाए। अब हम इस पफ को अच्छे से लॉक कर देंगे बॉब पिन के साथ। इस तरह से मैंने पफ को लॉक किया है बॉब पिन से। और इसके बाद अब हम लेते हैं ये पोनीटेल वाला सेक्शन, तो इसमें भी हमें अच्छे से करनी है बैक कॉम्बिंग क्योंकि हमें वॉल्यूम देना है। सो एक एक सेक्शन लेना है, उसे करना है बैक कॉम्ब और स्प्रे से लॉक करना है। तो यहाँ पे मैंने किसी की हेल्प ली है इस सेक्शन को पकड़ने में क्योंकि आगे मेरी यूपिन्स लगी हुई हैं, सो उससे वो बाल मिक्स ना हो जाएं, इसलिए अभी मैंने किसी की हेल्प से इस सेक्शन को पकड़वाया है। तो ऐसे ही 2 से 3 सेक्शंस लेने हैं, बैक कॉम्बिंग करनी है और अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट करना है। फिर एक एक करके इन सेक्शंस को पीछे लेके आना है और थोड़ा थोड़ा नीट करना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। ये बहुत अच्छा पोनी टेल का लुक देता है हमें। और अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कर्ल्स, तो उससे पहले हम यहाँ पे यूपिन्स निकाल लेंगे और पीछे मैं थोड़ा सा लाइन्स क्रिएट कर रही हूँ ताकि एक एडवांस हेयर स्टाइलिंग की लुक आए। तो यू पिन से मैं इसको प्रोमिनेंट बना रही हूँ लाइंस को। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। कर्ल्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक का प्रो टाइटेनियम शाइन स्ट्रेटनर, और आप चाहो तो कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे करने वाले हैं आयरन कर्ल्स, तो एक एक सेक्शन लेना है और उसमें आयरन कर्ल्स करेंगे। सो इस तरह से रैंडम सेक्शन उठा रही हूँ मैं और उसमें कर्ल्स कर रही हूँ। आयरन कर्ल्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग स्टे करते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा आयरन कर्ल्स करना। आप चाहो तो आप टोंग कर्ल्स भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा लॉन्ग हेयर है तो आप टोंग कर्ल्स कर सकते हो। नॉर्मल या शॉर्ट हेयर है तो आप आयरन कर्ल्स कर सकते हो, और किसी के बहुत सिल्की हेयर हैं देन ऑलवेज़ गो फॉर आयरन कर्ल्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे करते हैं। और इसके बाद हम इसी तरह से पूरे जो ये पोनी का सेक्शन है इसे आयरन कर्ल कर लेंगे। आयरन कर्ल्स और टोंग कर्ल्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गया है अभी। सो अभी थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक सेक्शन हमने कर्ल किया है उसमें से 3 से 4 अलग अलग सेक्शन यहाँ पे निकालने हैं और उसे इस तरह से अलग करना है। सो एक सेक्शन लेंगे, उसे फिंगर से पूरा अलग कर देंगे, तो टोटल एक सेक्शन में से हमें 3 से 4 कर्ल्स निकालने हैं और उसके बाद अच्छे से स्प्रे कर देना है। सो ये लुक जो है वो और ज़्यादा बाउंस भी देती है, वॉल्यूम देती है और बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से हम नीचे के बालों में भी आयरन कर्ल्स कर लेंगे। आप चाहो तो नीचे वाले बाल पहले भी कर्ल कर सकते हो। तो रैंडम सेक्शन मैं उठा रही हूँ और यहाँ पे आयरन कर्ल मैं कर रही हूँ। तो जैसे हमने ऊपर वाले कर्ल्स करे हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैं नीचे वाले भी कर्ल्स करूँगी।
आप चाहो तो साथ के साथ ही ऐसे अलग अलग कर सकते हो फिंगर से, अदरवाइज एक बार पूरे कर्ल्स करने के बाद आप ये स्टेप कर सकते हो। कर्ल्स हो चुके हैं और अब अच्छे से हम इसको स्प्रे कर देंगे। अब आते हैं हम फ्रंट पर, तो फ्रंट पर हमारी ये जो तीन साइड पे फ्लेक्स बची हैं इसको भी हम सेट कर लेंगे। इन सेक्शंस पर भी मैं आयरन कर्ल्स ही कर रही हूँ। इस फ्रंट सेक्शन को पहले अच्छे से नीट करना है और इस पे यूज़ करना है हार्ड स्प्रे। बिल्कुल फ्रंट पे हम अच्छे से हार्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसको होल्ड करेंगे सेक्शन क्लिप के साथ और फिर बाकी के बालों को नीट करके मैं इसमें कर रही हूँ आयरन कर्ल। ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा हेयर स्टाइल और आप देख सकते हो कि हमारे क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा ये हेयर स्टाइल। एंड में लगा लेंगे एक एक्सेसरी, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग एक्सेसरी यूज़ करी है, तो इसको मैं लॉक कर दूँगी, अच्छे से फिक्स कर लूँगी यू पिंस के साथ। तो 3 से 4 हम यू पिंस लगा के इसको लॉक कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें पूरे ओवरऑल हेयर जो हैं वो बैक पे भी रख सकते हो, दोनों साइड से हेयर फ्रंट पे भी रख सकते हो इस तरह से, नहीं तो आप वन साइड से हेयर आगे और वन साइड से पीछे भी रख सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू, आपके क्लाइंट को जैसे अच्छे लग रहे हैं। सो हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट है। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।